पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के बिलारी थाना क्षेत्र के निवासी दिनेश बल भटनागर ने आज मुरादाबाद जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर अपना एक शिकायती पत्र सौंपा, जिसमें कहा है कि चौधरी पट्टी गांव में पीड़ित की निजी भूमि है, जिस पर वो दाखिल भी है और काबिज भी। श्री रामलीला कमेटी के द्वारा कभी कभी उस जमीन पर रावण दहन के लिए अनुमति ली जाती रही है और ये कहा जाता था कि अंतिम बार मेले के आयोजन के लिए अनुमति प्रदान कर दी जाए, अगले वर्ष हम मेले के आयोजन के लिए भूमि की व्यवस्था कर लेंगे। लेकिन परमिशन मिलने के बाद हर बार पीड़ित की जमीन का इस्तेमाल रामलीला के मंचन और रावण दहन के लिए किया जाता रहा। पीड़ित दिनेश बल भटनागर ने जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में कहा है कि अब रामलीला कमेटी भूमाफियाओं के साथ मिलकर उसकी जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। पीड़ित जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाने पहुंचा है। जिलाधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि न्यायालय से स्टे भी प्राप्त होने के बाद भी उसकी जमीन पर अवैध रूप से रामलीला की जा रही है। पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाते हुए कहा है कि यदि इसके बाद भी उस जमीन पर रावण दहन किया गया या उसे कमर्शियल यूज किया गया तो उसके बाद वो धरने पर बैठ जाएगा और मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुँच जाएगा। सर आप यहाँ आए हैं, क्या मामला? डीएम साहब को ये ज्ञापन दिया था और कुंदर की एक हमारी अपनी पुश्तैनी ज़मीन है, दादा इलाही ज़मीन है, उस पर ये कुछ भूमाफिया लोग हैं और ये जो भी सत्ता लोभी लोग हैं, ये बीएसपी थी तो ये बीएसपी के साथ थे, सापा थी सापा के साथ थे, अब ये बीजेपी के साथ लगे हुए हैं और ये उस पर नाजायज़ रूप से कब्ज़ा करना चाहते हैं रामलीला का नाम दर्शा कर। कौन लोग हैं, कब से कर रहे हैं? ये रमन भूषण वगैरह हैं, इनकी पूरी पार्टी है ये और ये सब भूमाफिया लोग हैं ये। कब से रामलीला वहाँ लग रही है? रामलीला तो काफ़ी अरसे से लग रही है, लेकिन पिछले 4 साल से मेला नहीं लगा है। जी हाँ, इस बार क्या वजह है जो नहीं लग पा रही? इस बार हम ये हर साल हमें लिख कर देते हैं कि हम अगले वर्ष कोई ना कोई अरेंजमेंट कर लेंगे। मैं उसकी कॉपी भी संलग्न है तो डीएम साहब को दिए हमने और इन्होंने पिछली बार ये कहा था कि हम हर हालत में आखिरी बार हमें चाहिए, क्योंकि हर बार ये बेवकूफ़ बना देते हैं, ऐसा कुछ नहीं करते। आप क्या चाहते हैं? मेरी जगह है, मुझे मिले और कोर्ट और जो कोर्ट का आदेश है उसका अनुपालन हो। लगभग 6 बीघे है। आप किससे मिले? डीएम साहब से मिले थे। क्या